अलेक्जेंडर जब फिलिप अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बना मैसिडोनिया का, तो उसकी उम्र कोई 18-20 साल के लगभग थी। और उसने डिसाइड किया कि मुझे इस दुनिया को जीतना है। दुनिया को क्यों जीतना है? असल में इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, और वो ये है कि ये माना जाता था कि अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीक देवता, जो सबसे प्रभावशाली देवता थे ज्यूस, उनका बेटा है। और एक बार जब वो 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ एक सभा में बैठा था, तो एक घोड़ा लाया गया जो कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था, और अलेक्जेंडर ने 10 साल की उम्र में ही उस घोड़े को, उस बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया। तब उनके पिता ने कहा कि अलेक्जेंडर, मैसिडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा पड़ेगा। और शायद तब अलेक्जेंडर को लग गया होगा कि अब मैसिडोनिया छोटा होगा तो मुझे तो बहुत बड़ा करना है, मेरी सफलता तो इसी में है कि मैं दुनिया को जीत सकूं। अलेक्जेंडर का गुरु था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही उसको दर्शन की, फिलॉसफी की, समाज की, इन सब चीज़ों की, राजधर्म की शिक्षा दी। एरिस्टोटल को जब पता चला कि इरादा अलेक्जेंडर का कुछ ऐसा है, तो जैसा कि गुरु लोग करते हैं, उसने एक सलाह दी कि इससे पहले कि तुम विश्व विजय के पथ पर निकलो, एक बार डायोजनीज से जरूर मिल लो। ये डायोजनीज कौन था? डायोजनीज भी एक दार्शनिक था, एक विचारक था, जो किसी राजघराने से ही था और बड़ा ही सुंदर सौष्ठव का मालिक था। उसकी फिजिक, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत थी, लंबा चौड़ा ग्रीक देवता जैसा। पर रहता था वो, जैसे यहाँ जैन दिगंबर लोग रहते हैं, एकदम नग्न रहता था, किसी चीज़ से उसको लगाव नहीं था, निष्प्रिय था, कुछ भी उसके पास नहीं था। जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ सो लिया, बस ऐसा ही जीवन था डायोजनीज का। अलेक्जेंडर ने सुन तो रखा था कि डायोजनीज कोई है जिसकी बड़ी चर्चा है, तो चलो मिल ही लेते हैं। अब एरिस्टोटल ने कहा है तो इसमें कोई बात होगी। अलेक्जेंडर जब मिलने गया तो डायोजनीज नदी के किनारे धूप में ऐसे ही नंग धड़ंग लेटा हुआ था। अलेक्जेंडर पहुंचा तो डायोजनीज ने नोटिस नहीं लिया। अलेक्जेंडर को थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं यहाँ का राजा और ये ऐसे ही निष्प्रिय पड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैं अलेक्जेंडर हूँ और मैं यहाँ का राजा हूँ। डायोजनीज ने कहा तो अब अलेक्जेंडर का दिमाग ठनका, करे इस आदमी को इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, यहाँ का राजा हूँ और इसके सामने आकर खड़ा हूँ। उसने कहा असल में ये बात यह है कि मैं विश्व विजय पर निकलना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। डायोजनीज हंसा, उसने कहा पहले तो सबसे पहले एक काम करो कि ये थोड़ा सा किनारे हो जाओ, ये सूरज की रोशनी जो लगातार मुझ तक आ रही है तुम उसके बीच में खड़े हो, इतनी ही मेहरबानी मुझ पर करो कि वो रोशनी मुझ तक आने दो। अलेक्जेंडर को लगा कि अरे इस आदमी की बस इतनी शिक्षा है, मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का सम्राट, मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, बस इतनी सी मेहरबानी कि आप धूप का रास्ता छोड़ दीजिए। अब अलेक्जेंडर को लगा कि गुरु ने डायोजनीज से मिलने के लिए क्यों कहा था, एक मैं हूँ जिसे सारी दुनिया जीतनी है, इसके बिना मुझे चैन नहीं है, मुझे बहुत कुछ पाना है, और ये शख्स है इसे कुछ भी नहीं पाना, इसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक तरफ शायद अरिस्टोटल ने यही सोचा होगा कि अलेक्जेंडर को अपने कंट्रास्ट से मिलाना जरूर चाहिए, किसी भी व्यक्तित्व को, आप जैसे भी हों, अगर आप अपने कंट्रास्ट से मिलते हैं, ठीक अपने विरोधी व्यक्तित्व से मिलते हैं, तो आप बहुत कुछ जीवन के बारे में समझते हैं। और शायद अरिस्टोटल अलेक्जेंडर को शिक्षा देना चाहते होंगे कि जीवन का अर्थ, हालांकि ये कहा जाता है कि अरिस्टोटल ने ही प्रेरित किया था उन्हें विश्व विजेता बनने के लिए, पर कह नहीं सकते, इसकी बहुत कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि गुरु का काम शिक्षा देना है, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि जितना ज़्यादा एग्रेसिव है अलेक्जेंडर,
जितना ज़्यादा उसके अंदर जिजीविषा है, जितना ज़्यादा उसके अंदर अभिलाषा है, जितना ज़्यादा उसके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहिए जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। और शायद तभी इसीलिए अलेक्जेंडर ने कहा होगा कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजनीस होता।